हरे कृष्णा। तो हम श्री धाम मायापुर नदिया में इस समय बैठे हुए हैं और एक बहुत ही सुंदर, शांत और अत्यंत भक्तिमय स्थान पर बैठकर मैं स्मरण कर पा रहा हूँ श्रील प्रभुपाद के उन शिष्यों का जिन्होंने श्रील प्रभुपाद के दिव्य आंदोलन के लिए अपने जीवन का समर्पण किया है। तो इस समय मैं मायापुर में श्रील प्रभुपाद की समाधि मंदिर के सामने उस स्थान पर बैठा हुआ हूँ जहाँ पर श्रील प्रभुपाद के शिष्यों की समाधि है। तो आपको ज़रूर दिखाएंगे यहाँ पे किस किस शिष्य की समाधि है श्रील प्रभुपाद के, और उनमें से कुछ मुख्य शिष्य जो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, भक्ति तीर्थ महाराज, श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज और तो और अन्य वैष्णवों की समाधि है जिनके विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाधि और समाधि मंदिर का महत्व हमारे आध्यात्मिक जीवन में होता क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो गुरु होते हैं या जो गुरु जन होते हैं या जो गुरु वर्ग है, ये सब आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक अर्थात ये अपने जीवित समय में और मृत्यु के बाद आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक थे और आध्यात्मिक ही रहते हैं, जिसके कारण इनके शरीर को कभी भी अग्नि नहीं दी जाती है। किसी मृत शरीर को अग्नि क्यों दी जाती है? क्योंकि वो शरीर अपवित्र हो जाता है और अग्नि के माध्यम से उस शरीर में पवित्रता प्रवेश करती है। लेकिन गुरु जिनका शरीर पहले से ही आध्यात्मिक है वो तो पवित्र ही है, तो उनको अग्नि देना क्यों? इसलिए शिष्य क्या करते हैं, प्रेमवश अपने गुरु के शरीर की समाधि बनाते हैं और उस समाधि पे प्रतिदिन आकर जप, कीर्तन, गुरु के वचनों का स्मरण और गुरु की आज्ञा का स्मरण करते अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इस्कॉन भुवनेश्वर में श्रील गौर गोविंद महाराज की भी समाधि है और यहाँ पर श्रील गौर गोविंद महाराज की पुष्प समाधि है। पुष्प समाधि अर्थात जो फूल होते हैं उनसे एक समाधि बनाई जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद की भी दो समाधि हैं, एक समाधि वृंदावन में और दूसरी मायापुर में। तो मैं चाहूँगा कि हम श्रील प्रभुपाद की दिव्य समाधि का दर्शन आप सबको बाहर से करवाएं एक बार, ताकि आप देख पाएं कितनी भव्य समाधि श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने उनके स्मरण और चिंतन में बनाई है, जिसे कि देखकर एक भव्य एहसास होता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी बड़े राजा के महल में आ गए हो। तो क्यों ना हो गुरु की समाधि इस प्रकार, बिल्कुल होनी चाहिए ना, क्योंकि एक शिष्य का समर्पण और प्रेम गुरु के प्रति सेवा के रूप में दिखता है। तो चलिए आपको यहाँ पर किन किन शिष्यों की समाधि है उसके विषय में थोड़ा परिचय दें। तो हम खड़े हो जाएंगे और अपने कैमरामैन से निवेदन करेंगे कि कैमरा को घुमाते हुए ऐसे स्थान पर चले जहाँ पर श्रील प्रभुपाद के कई शिष्यों की समाधि है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप गेट से अंदर आते हैं तो सबसे पहली समाधि किसकी है, श्रील तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक ऐसी हस्ती है इस्कॉन में जिनके विषय में हमें आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारे कुछ व्यूवर्स को इनके बारे में ज़्यादा मालूम ना हो। तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक ऐसे सरेंडर्ड भक्त थे श्रील प्रभुपाद के दिव्य आंदोलन में, जिन्होंने अंत समय तक श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में विशेष और महत्वपूर्ण सहायता दी है। और तो और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये मायापुर मंदिर अगर आज हमारे सामने है तो ये केवल तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा के कारण है। श्रील प्रभुपाद ने इन्हीं को भेजा था एक शिष्य के साथ जाकर इस लैंड को फाइनल करने के लिए, और इस लैंड का जब फाइनल कॉन्ट्रैक्ट श्रील प्रभुपाद के पास आया था कलकत्ता में तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए थे। तो तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज इज वन मैन हु स्टैंड्स बिहाइंड द प्रोजेक्ट और द एक्विजिशन ऑफ द लैंड फॉर द टेम्पल इन मायापुर। आगे चले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर श्रील गौर गोविंद महाराज की समाधि है। श्रील गौर गोविंद महाराज जिन्होंने गृहस्थ होने के बावजूद, उनके तीन बच्चे भी थे, क्या किया, श्रील प्रभुपाद को गुरु के रूप में स्वीकार किया और प्रभुपाद ने तत्कालीन उन पर जिम्मेदारी सौंप दी और उन्होंने उनको हरिनाम दीक्षा दी, ब्राह्मण दीक्षा दी और संन्यास बहुत जल्दी जल्दी हो गया था उनका। तो ये श्रील गौर गोविंद महाराज की समाधि है, पुष्प समाधि। हम देख सकते हैं कि वहाँ पे महाराज बैठकर जप कर रहे हैं, बड़ा ही गंभीर भक्तिमय भाव था महाराज का और हर एक चीज़ कृष्ण से जोड़ते थे। क्यों? क्योंकि वे बचपन से वैष्णव थे, गोपाल जी के विग्रह की सेवा करते थे और गोपाल जी को अपना मित्र मानते हुए, अपना इष्ट मानते हुए उनसे बहुत बार वार्ता किया करते थे और उन्हें अपने जीवन के विषय में सब बताया करते थे।
खैर इसके बारे में तो मेरे मित्र ने मुझे भुवनेश्वर मंदिर में भी बहुत जानकारी दी। तो आगे हम चले तो हम देखते हैं श्रीपद भक्ति तीर्थ महाराज की समाधि है, और भक्ति तीर्थ महाराज को इस्कॉन में श्रीपाद भी बोला जाता है। श्रीपाद मतलब जो कि भगवान के चरणों में रहते हैं। भक्ति तीर्थ महाराज भारतीय नहीं थे, शिला प्रभुपाद के विदेशी शिष्य थे। शिला प्रभुपाद ने इनको ब्लैक लोटस की उपाधि दी। ब्लैक लोटस अर्थात वे दुनिया के उस राज्य से, उस कोने से आते थे जहां पर हम देखते हैं कि हम लोगों को ब्लैक लोग मिलते हैं, जैसे कि अफ्रीका हो गया। तो श्रीपाद महाराज शिला प्रभुपाद के साथ अमेरिका में जुड़े थे और बहुत ही विद्वान थे, और उन्होंने पढ़े लिखे लोगों के बीच में शिला प्रभुपाद के आंदोलन का बहुत ही ज्यादा प्रचार किया है। और आज भी उनके ऐसे शिष्य अनुयायी हैं जो कि इस्कॉन में आगे बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं शिला प्रभुपाद के आंदोलन को फैलाने के लिए। मुख्य तौर पे भक्ति धीर दामोदर महाराज और भक्ति वासुदेव महाराज भी श्रीपाद महाराज के शिष्य हैं, और आज उनके शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो श्रीपाद महाराज के कई ऐसे वीडियोज हैं जो YouTube पे प्राप्त किए जा सकते हैं, आप उन्हें जरूर देखें। क्यों? क्योंकि इतना फायर्ड अप प्रीचर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा जितने कि श्रीपाद महाराज थे। मैं खुद बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ उनसे। उनकी एक बुक भी है ब्लैक लोटस, और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप ब्लैक लोटस बुक को जरूर पढ़िए, उससे आध्यात्मिक जीवन में विशेष प्रेरणा मिलने वाली है आप सबको। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि उस तरफ किसकी समाधि है। तो हम यहाँ पर हैं और ये श्रीधर महाराज की समाधि है। जैसे कि श्रीधर महाराज के बारे में बहुत सारे इस्कॉन के भक्तों को मालूम नहीं है, लेकिन श्रीधर महाराज शिला प्रभुपाद के उन शिष्यों में थे जिनके मात्र 30 या 32 शिष्य रहे होंगे, उससे ज्यादा नहीं। वो बहुत ज्यादा शिष्य बनाने में विश्वास नहीं रखते थे। जुहू मंदिर में सेवा करते थे, और तो और मुंबई के बहुत सारे शिष्य इन्होंने बनाए, जिसमें से कई शिष्य इनके बाहर के देशों के भी हैं। श्रीपाद महाराज के बारे में कहा जाता है कि उन्हें पिज्जा इतना पसंद था कि उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 10 ऑफेंसेस अगेंस्ट पिज्जा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे 10 अपराध है ना, नाम अपराध, उसी प्रकार उन्होंने 10 अपराध लिखे थे पिज्जा के विरुद्ध। अगर आप पिज्जा के विषय में कुछ गलत कहते हैं तो महाराज को बहुत बुरा लगता था, और ये 10 अपराध पिज्जा के विरुद्ध आज हमारे वृंदावन पिज्जेरिया रेस्टोरेंट में, जो कि गोविंदास के ऊपर है, वहां पे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आगे शिला प्रभुपाद के मुझे उम्मीद है शिष्य हैं जिनके विषय में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इनका नाम है कालपर्स महाराज। सच में बोलूं तो इनके बारे में मैंने बहुत ज्यादा सुना नहीं है, तो कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उम्मीद है कि शिला प्रभुपाद के आंदोलन में इनका भी बहुत ही ज्यादा दिव्य कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप कभी भी मायापुर आए तो हम देखते हैं कितना भव्य मंदिर बन रहा है, तो मंदिर की एक झांकी आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। कितना भव्य है, देखिए यहाँ से दिखने में लगता है ना कितना सुंदर है, और जब बनेगा तो ऐसा आइकॉनिक स्ट्रक्चर होगा कि लोग ताजमहल भूल जाएंगे और इस मंदिर के दर्शन करने के लिए पूरे विश्व से आएंगे। आपसे निवेदन है कि जिस समय आपके आध्यात्मिक जीवन में समय बहुत खराब चल रहा होता है ना, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको प्रभुपाद के शिष्यों की समाधि में आना चाहिए मायापुर और वृंदावन, और वहाँ बैठकर गंभीरता से भजन करना चाहिए और प्रार्थना की याचना करनी चाहिए, क्योंकि केवल इन वैष्णवों के कारण हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे प्रगति कर सकते हैं। इन सब का बड़ा विशेष योगदान है शिला प्रभुपाद के आंदोलन में आज, जिसके कारण हम यहाँ पर इतनी कंफर्टेबली भक्ति कर पा रहे हैं। ये संभव नहीं होता अगर ये सब यहाँ नहीं होते। तो आप सबसे निवेदन है कि आप इसे अपनी भक्ति में एक विशेष प्राथमिकता दीजिए कि जहाँ शिला प्रभुपाद के शिष्यों की समाधि है वहां पर बैठ के हम मनन चिंतन भजन करें और प्रार्थना की याचना करते अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। हरे कृष्णा।